अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस यूनिट का नाम है नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम पुट करेंगे थर्मोस्फीयर, सेकंड में आर्गन, नंबर 3 में अल्ट्रावायलेट, नंबर 4 फारेनहाइट डिग्री, नंबर 5 एवेपोरेशन, नंबर 6 रेन और नंबर 7 में डिफ्लेक्शन। इसके बाद सर्कल द करेक्ट आंसर है। इसमें मैंने जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो लिखी हुई हैं। फर्स्ट वाले में आप 1% को सर्कल करेंगे, सेकंड में अर्थ को, थर्ड में डे टाइम को, फोर्थ में एटमॉस्फेयर को, फिफ्थ में इक्वेटर को सर्कल करेंगे, नंबर 6 में प्रेसिपिटेशन को और नंबर 7 में 85 किलोमीटर को। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लिथोस्फीयर। आंसर, द अर्थ क्रस्ट एंड द पोर्शन ऑफ द अपर मोस्ट मेंटल डायरेक्टली बिलो द क्रस्ट फॉर्म्स अ लिथोस्फीयर। नंबर 2, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट एट ऑल वुड देयर स्टिल बी अ कैरियोल्स इफेक्ट। आंसर, नो, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट देयर वुड नॉट बी अ कैरियोल्स इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। आंसर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 3 मेजर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। आंसर, नंबर 1 कांस्टेंट गैसेस, नंबर 2 वेरिएबल गैसेस, नंबर 3 इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द एरियाज वेयर सीजनल विंड्स मोस्टली ऑकर। आंसर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। नंबर 6, What is the difference between land and sea breeze? Answer, land breeze. During night time, the wind blows from land to sea. These winds are called land breeze. Sea breeze. During daytime, the coastal areas become heated faster than the adjacent sea due to change in temperature and pressure. Wind starts to blow from sea to land. These winds are called sea breeze. अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका आंसर है पेज नंबर 17 पर। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। ये 3 किस्म की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लाइज विंड्स। और इसके बाद जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, खसूसियात बताई हुई हैं, वो इसमें मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिटेल। इसका आंसर है पेज नंबर 14 पे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी चारों टाइप्स के नाम लिखेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर की, और इसके बाद इनकी डिटेल भी लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 15 के एंड तक, थर्मोस्फेयर के एंड तक आप इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। इसको याद भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी जो है तमाम लेक्चर्स पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।